तिलिस्म, माया। जादू अपने आप में अद्भुत होता है, लेकिन अविश्वसनीय ये होता है अगर एक पूरा का पूरा गांव ही जादूगरों का गांव कहलाए और वो अकल्पनीय हो जाता है जब उस गांव में आने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाए। आज एक ऐसे ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गांव के सफर पर आपको ले चलेंगे। पृथ्वी की सबसे जादुई जगह, दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका, जहां की कहानियां तो बाहर आती हैं, लेकिन कहते हैं वहां कोई नहीं जा पाता। यहां जो दिखता है वो माया है, जो नहीं दिखता वो माया भी। माया, तिलिस्म, जादू, ये धरती रहस्यों की ऐसी परतों में लिपटी है कि हर कदम पर कुछ अविश्वसनीय है। असम का मायोंग गांव, जैसा नाम वैसी ही कहानी है इस गांव की। मायोंग का मतलब है मायावी, और इस गांव में सब कुछ मायावी नजर आता है। मायोंग का मतलब कि तंत्र मंत्र विद्या का देश है। लंबे समय तक ये गांव बाहरी दुनिया के लिए बंद रहा। लंबे समय तक यहाँ की कहानियां किंवदंतियों की तरह सुनाई गई। लंबे समय तक इस गांव के तिलिस्म से सहमी रहती थी दुनिया। आज भी इस गांव के कई रहस्य राज ही हैं। माना जाता है कि नगरी उनकी है, ब्लैक मैजिक वालों। ब्लैक मैजिक या मैजिक? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। किसी ने आने से रोका नहीं? डरे नहीं, ये बोला है, रोका था। नाइट का मना किया था, मैं तो अभी मॉर्निंग में आया था, पता नहीं दे रहे थे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम जब मायोंग के लिए निकली तो वहां न जाने की पहली चेतावनी हमारे ड्राइवर ने हमें दी। वैसे डरते हैं हमेशा? पूरा डरते हैं मैडम जी। क्यों? ये जंगल ऐसा जंगल है ना, बहुत भयानक रूपनगर का जंगल। इसका कोई अंदर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, जो जानता है वो उसी को जाना अंदर। अच्छा, तो अंदर कौन रहता है? अंदर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, जो जानता है वही जा सकेगा। बड़े बड़े जैसे साधु संत आते हैं ना, वो लोग जा सकते हैं। तो अगर कोई चला जाएगा तो उसको क्या कर देगा उसके साथ? कोई चला जाएगा तो वो वापिस नहीं, जंगल में भटकता रहेगा। जंगल ऐसा है ना, जादू करना बहुत होता है। क्या करते हैं? मैंने यहाँ का तांत्रिक बाबा है, वो मना करता है नहीं वापिस जाओ, वो लोग मानते नहीं है, तो इसलिए उनका बकरा बना के छोड़ देते। मायोंग के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी के अनुसार इस गांव में आज भी हर किसी को जादू आता है, और ये कोई तमाशे वाला जादू नहीं होता। उड़ भी सकते हैं। वो एक आदमी लड़के ने दिल्ली रहा, उड़ भी सकते हैं। एक लड़के ने यहाँ की लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया, तो मंत्र पढ़ने से वो आ गया, आ जाएगा। मंत्र शक्ति से बंदूक से गोली की जगह पानी निकल सकता है। रिवॉल्वर है, उसी का गोली नहीं निकलेगा, पानी भी निकलेगा।
आखिर क्या है मायोंग का असली सच? कितनी तहें चढ़ चुकी है मायोंग की माया पर? मायोंग के बारे में बाहर के लोग जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं? जादुई तिलिस्म को लेकर जो मायोंग के लोगों का विश्वास है वो इतना गहरा क्यों है? मायोंग का नाम आज भी लोगों के मन में सिहरन क्यों पैदा कर देता है? मायोंग तो मैजिक के लिए ही फेमस है, देयर इज एन ओपिनियन है। मायोंग तो जादू के लिए ही मशहूर है। कहते हैं मायोंग शब्द ही माया शब्द से बना है, जिसका मतलब भ्रम है। मायोंग एंड मैजिक द टर्म्स आर सिनोनिम्स विद ईच अदर। हम लोगों ने तो एक म्यूजियम भी स्थापित हमने एक म्यूजियम भी बनाया है यहाँ के जादू को सहेजने के लिए। मोस्ट ऑफ दिस प्रैक्टिसेस जो जादू मायोंग में होता है वो ज्यादातर बीमारियों के इलाज के लिए होता है और रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए होता है, जैसे इश्क के मामले, पारिवारिक मामले। लोग इन सब मामलों के लिए गांव के जादूगरों की मदद लेते हैं। Approach to their village base, apart from disease treatment. आज के वैज्ञानिक युग में जो अकल्पनीय है वो सब कुछ मायोंग के लोगों के लिए उनका सच है। अब आप जंगल का हाथी पकड़ लीजिए, पहले तो बात ही नहीं मानेगा, लेकिन फिर उसको औषधि खिलाना पड़ेगा और फिर बस में आ जाएगा। बैठने को कहेंगे बैठेगा और उठने को कहेंगे तो उठेगा।